पाकिस्तान की टीम खेली। एक सेकेंड, माफी चाहते हैं क्योंकि सितारे जो है वो हमारे साथ यहाँ पहुंच गए। बहुत बहुत मुबारक। बीच में आई आज स्पॉटलाइट आप एकदम सेंटर में, और थोड़ा ये भी लगा देते हैं ताकि आप सुन पाए। हरभजन सिंह और आकाश चोपड़ा हमारे साथ जुड़े हुए। हरभजन भाई, विश्वास हो गया, फाइनल आज अलग खेली पाकिस्तान, आज विश्वास ही अलग लगा। रिजवान, क्या वजह थी ये जो पिछले तीन साढ़े तीन घंटे जिस अंदाज से आप खेले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्वियसली थोड़ा सी बैटिंग में भी चीज़ें चेंज की थी, और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी पिच से जब बॉलिंग कर रहे थे तो उसके इंसान गलती हमसे हो सकती है। हमने एसेस किया कंडीशन में, शायद ये पिच 180 प्लस वाला है जब बॉलिंग कर रहे थे, हमने ये अंदाज़ा लगाया कि शायद 180 वाला पिच है, मगर जैसे ही पहले दो तीन बॉल हो गए हमने लगाया कि बॉल नीचे रह रहा है और कोशिश करेंगे 150-145 वाले पिच है। अलहमदा हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है जिसकी वजह से हमें एक मोमेंटम मिला 150 का, मगर हमने और कप्तान ने जब रोप क्रॉस किया यही डिसाइड किया है कि नए बॉल पर अटैक करेंगे क्योंकि बॉल में बॉल ट्रिकी है, पिच ट्रिकी है, बॉल रुक के आना है। तो अलहमदा वही हमने थोड़ा चांस लिया नए बॉल से, अल्लाह ने हमारी हेल्प कर दी। माफी चाहते हैं आपको, विक्ट्री लैप से हमने थोड़ा दूर रखा हुआ है, लेकिन ये पल अगर आप बिताना चाहें, हाई फाइव वगैरह, कंग्रेचुलेशन। मुबारकबाद, मुबारकबाद। ये जो खुशी के पल है ये रविवार सुबह तक लग रहा था इरफान, चार दिन से बहुत दूर है टीम। अब जिस तरह टूर्नामेंट का स्टार्ट था, जिस तरह दरमियान में चीजें हुई है, अब थोड़ा सा बिलीव हमारा चेंज है। जिस तरह हम देखे कोशिश की थी जिस चीज़ पे जो हमारे कंट्रोल में, जो हमारा डिमांड है, जो हम समझते हैं कि हमारा अल्लाह हमसे डिमांड करता है, हम नहीं रखा है कि यार अल्लाह की डिमांड हमसे है कि जुड़ के रहे, हम बहादुरी से कह ले जल रहे हैं, सारा निज़ाम हमारी अल्लाह बना देगा। वही हुआ है, सारा कुछ ऐसा ही हुआ, हमारा निज़ाम अल्लाह पाक ने बना दिया, जीत भी दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। और रिजवान, मेरा मैंने आपसे शारजा में एक बार बात की थी, वहाँ पे स्लो पेस थी, आपने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। मैच के बाद मैंने आपसे पूछा था क्या एडजस्टमेंट रहता है, क्योंकि आपकी जो बल्लेबाजी है जहाँ पे बाउंस होगा आपको वो कट और पुल लगाने में आसानी होगी, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ता है जी। आज भी स्लो पिच थी, एडजस्टमेंट किया और बहुत बढ़िया पारी की, क्या एडजस्टमेंट कर रही है आपने प्योरली बल्लेबाजी में? थोड़ा सा डिफरेंट किया था चीजों को। अगर आप क्या डिफरेंट किया था अर्ली ऑन, अगर आप देखिए यहाँ अक्सर मैं कट मारता हूँ, या आज कोशिश की पंच मारने की, क्योंकि पहली बॉल में मुझे बाउंड्री मिली है, फिर एक और जो उसमें ऑप्शन से आया था वो बोल्ट वहाँ पे पॉइंट में बोल गया, तो उनकी वजह से मुझे लगा कि वो दरमियान में आ गए, तो मेरी उस रेंज में आ गए जो मैं चाह रहा हूँ। मगर बहरहाल ये पिच की कंडीशन से लोग देखते रहते हैं और चीजें करते रहे, तो अलहमदुलिल्लाह हमने शुरू में सिर्फ थोड़ा सा आज प्लस पॉइंट दिया था, हम गए और प्लान ये किया था कि बॉल ने बाद में रुकना है, हमने पावर प्ले को अटैक करना है, जिसमें अल्लाह पाक ने हमारी मदद फरमाई। इसका मतलब सामने खेलने की कोशिश थी ज्यादा आपकी? जी जी बिल्कुल, आज थोड़ा सा ये चीज चेंज की बजाय इससे कम यह देखो कट उन चीजों पर सामने बाउंड्रीज पे फोकस किया था। शाइन से अफरीदी, सॉरी जतिन नहीं, हरभजन सिंह वेट कर रहे हैं, आप एक सवाल पूछ लीजिए। शाइन से अफरीदी, देखिए जब इंजरी के बाद वापस आए, घुटना पूरी तरह से अभी भी 100% लग नहीं रहा, लेकिन वो जिस तरह से जान लगा रहा है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट उनको बहुत ज्यादा आगे जाके संभालने वाला है, क्योंकि ये टॉप ऑफिट है? बिल्कुल बिल्कुल जी, शाहिन शाह की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप फास्ट बॉलर अच्छी तरीके समझ सकते हैं इंजरी के बाद आना, और जिस तरह वो आया है, हाँ आते ही 140 प्लस करना मुश्किल है, मगर वो अपने एक्सपीरियंस यूज कर रहा है 136-135 में, वो बॉल कर रहा है, वो स्विंग कर रहा है जो हम समझते कि स्पीड पे स्विंग नहीं होना, मगर उसने अलहमदुलिल्लाह आज करके पहले ओवर जो हमें इंपॉर्टेंट विकेट थी पहले ओवर में दिला दिया अलहमदुलिल्लाह। चलिए देखिए, आपने दो स्पिनर्स का तो सामना किया, लेकिन आप हरभजन सिंह इंतजार कर रहे हैं, आवाज आ रही है आपको? जी अभी मैच की आवाज आ रही है, तो फिर उनकी आवाज भी आ जाएगी, उनकी आवाज बुलंद वैसे ही पहुंच जाती है। बजुबा रिजवान, बहुत बहुत मुबारक हो, आप पहली टीम बन गए क्वालिफाई करने के लिए फाइनल के लिए। मैं दुआ करता हूँ आपको हिंदुस्तान के सामने मुकाबला हो, वो मुकाबला हम देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे, और बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उस दिन जब साउथ अफ्रीका खेल रही थी नेदरलैंड के सामने, जब ग्राउंड आ रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि यार ये आखिरी गेम है, और वहां से जो चीजें चेंज हुई है थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या जहन में चल रहा था, और जब वो मैच जीत के क्वालिफाई किया तो फिर क्या जहन में अब क्या चल रहा है फाइनल में अपने आप को पाके? हरभजन भाई, अगर ऑनेस्टली पूछा जाए ना, जब हम पहली दफा मैच आप लोगों से हारे थे ना, तो हम हमारा कोच अक्सर ये कहता है कि कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, हम अक्सर ये कहता है हमारी उसमें ना वर्ल्ड कप पे आते ही, तो उन्होंने कहा कि लड़के जुड़ के रहो, सेकंड में स्पेशली कहता है कि कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। पहला मैच हम हार गए बिल्कुल, और राज भाई बहुत आला खेल रहा है, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली उसने पूरी, आप इंडिया की टीम बहुत आला खेली, मैच ले गए, जीता हुआ मैच हमसे वो ले गए। फिर जो सकीब भाई मिले, सकीब भाई ने कहा कि रिजवान, मैंने कहा सकीब, उसने कहा कि हम वो चीजें पूरी हो रही है जो हम चाह रहे हैं, हमसे कुछ डिफरेंट होगा। मैंने कहा भी नहीं हुआ, एक मैच कहीं पे अपसेट होना है फिर होना है,
जिम्बाब्वे से हारे, सकी भाई मिला है, सकी भाई ने कहा रिजवान मैंने कहा अब सारी वो चीजें पूरी हो गई, इसके बाद हम जाएंगे तो इंशाल्लाह फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे अल्लाह के हुक्म से। वो सिर्फ ये बातें थी, और फिर जिस तरह नीदरलैंड और उसका मैच साउथ अफ्रीका की दुआई बहुत की है, हमने भी की है, मुझे उम्मीद है हमारे पूरे पाकिस्तान के अवाम ने भी की है, और जिस तरह पवेलियन ने एंजॉय उस मैच को किया है, मेरा ख्याल चाहते किसी और मैच को एंजॉय नहीं किया हमने। वो मैच याद रहेगा रिजवान, लेकिन थोड़ी दिलेरी की हम बात कर रहे थे, कमेंट्री भी बात कर रहे थे, एक थोड़ा फर्मा सेट था वो अलग हुआ, मोहम्मद हारिस की तरफ गए, एक चौथा सीमर लेके आए, तो ये थोड़े दिलेर फैसले लेने की जरूरत कब पड़ी और किस अंदाज से फिर लिए गए? देखिए जी ऑनेस्टली यही है कि हम जब आए तो शुरू में हमें थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था, जिस तरह हम इंडिया के खिलाफ पहले खेले मैं और कप्तान, क्योंकि वो जो स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा था, क्योंकि एक दफा मैंने कप्तान को कहा भी है कि कप्तान जब वो भुवनेश्वर कुमार जो स्विंग कर रहा था, तो मैंने कप्तान से कहा कि बॉल कितना करीब जा रहा था, सीम भी हो रहा है और स्विंग भी हो रहा है, मगर उस टाइम तीसरे ओवर में बॉल देखा है स्क्रीन पे, जहां से मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे और बल्ले और बॉल के दरमियान इतना गैप था, जो मुझे लग रहा था कि क्या कहते हैं काफी गैप था, मगर ये समटाइम होता रहता है, आपको कहीं ना कहीं एसेस करना पड़ता है चीजों को, मगर समझते समझते दो तीन मैच निकल गए थे। आकाश के पास एक ठीक है, ये आसान नहीं है इससे जूझना, ये अपने आप एक ठीक है, आपने बड़े अच्छे से हैंडल किया, लोग करके ऐसे रहो मुश्किल काम करते हैं नहीं रिजवान पर ये फिर भी सिंपल है, जो काम आप कर रहे हैं मैदान के ऊपर वो मुश्किल काम है, तो मेरा एक्चुअली फर्स्ट ही कांग्रेचुलेशंस। सवाल मेरा ये है कि बाबर ने रन नहीं बनाए थे भाई पांच मैचेस में, तो क्या कप्तान जो है वो थोड़ा सा दबाव में थे, प्रेशर फील कर रहे थे, टीम कैसे उनको साथ चला रही थी, क्योंकि बात बहुत हो रही थी कि भाई देखिए अगर कप्तान रन नहीं बनाएगा तो टीम आगे कैसे चलेगी, क्वालिटी प्लेयर है बाबर सब जानते हैं, पर रन नहीं बन रहे थे तो माहौल तब कैसा था, और आप तो उनके पार्टनर हैं तो फिर क्या बात करते हो बीच में कि बन जाएंगे कभी बनेंगे? आकाश भाई आप सही कह रहे हो, क्योंकि हमारी कप्तान की एक लॉजिक है, वो ये कह रहा है कि जब मैं फ्रंट पे रन नहीं कर रहा ना, तो वो कोशिश कर रहा है कि मैं ही फ्रंट पे रन करूं कि हमारी टीम के लिए आसानी हो, तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा मुश्किलात में था, इम्तिहान आते हैं अल्लाह की तरफ से, मगर अल्लाह पाक ने आज उससे करवा दिया, वो फ्रस्ट्रेशन जो थी वो कम होगी, मगर ये मेरे ख्याल से हर एक प्लेयर इस स्टेज से गुजरता है, मगर अल्लाह पाक ने हमें ऐसे एक मैच में करा दिया जो मेरे ख्याल से पूरी कौम हमारी इस इंतजार में थी, अल्लाह पाक ने बहुत बेस्ट जगह पे करा दिया है, और